वीएबी मीडिया आप लोगों का स्वागत करता है। तो आज एंटरटेनमेंट शो प्रस्तुत करता है वीएबी मीडिया। तो आज के वीडियो में मैं आपको एंटरटेन करने वाला हूं और आपको एक टॉप 10 अपकमिंग मूवीज की लिस्ट तैयार करके आपके सामने मैंने रखी हुई है और वो आपके सामने मैं इस वीडियो के साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में एक ऐसी मूवी है जो कि 9 नवंबर को रिलीज हो चुकी है, तो बाकी जो मूवीज है वो आने वाले मंथ में वो आपको शो हो जाएगी वेब सीरीज के रूप में, या मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। टॉप 10 अपकमिंग मूवीज 2020-2021। स्टे ट्यून विद अस, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बटन, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज थम्स अप। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों नंबर 1 लक्ष्मी बॉम्ब से। दोस्तों ट्रेलर आ चुका है और हम सबको पता है कि ये नवंबर 9th को हॉटस्टार पे रिलीज होने जा रही है। ट्रेलर को कई चैनल में बने रहे। नंबर 2 छलांग। जी हाँ दोस्तों, ये एक मूवी होगी जिसमें राजकुमार राव फीचर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है, जैसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। इसकी रिलीज डेट होगी दोस्तों नवंबर 13th। दुर्गावती दिसंबर 11th को दोस्तों अमेजोन प्राइम पर एक और हमें मूवी देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा दुर्गावती। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, जैसे इसकी हाइप भी काफी बन चुकी थी। तो मेक श्योर दोस्तों दिसंबर 11th को दुर्गावती देखना मत भूलना। कूली नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, बहुत टाइम से ये मूवी अनाउंसमेंट सुन रहे थे, वरुण धवन खुद बहुत पोस्टर्स वगैरह रिलीज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो फाइनली इसकी जो रिलीज डेट है वो दिसंबर 25th तय हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये भी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आने वाली है मूवी, तो क्रिसमस वाले दिन आपको कूली नंबर 1 देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज हॉटस्टार की भुज। इस मूवी की भी बहुत सी ज्यादा हाइप बनी हुई है, जैसे अजय देवगन की ये मूवी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये भी साल के एंड पे आने वाली है। इसकी अभी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये भी क्रिसमस के आसपास रिलीज कर लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट मूवी है बिग बुल, जो भी हॉटस्टार पे रिलीज होगी। दोस्तों इस मूवी में फीचर करेंगे अभिषेक बच्चन। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक बच्चन की बिग बुल रिलीज होगी इस साल के एंड तक। माना जा रहा है कि न्यू ईयर से पहले पहले इसको रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की मूवी संदीप और पिंकी फरार भी डिले हो गई थी, जैसे इसका ट्रेलर भी रिलीज हो गया था कोरोना वायरस पैंडेमिक से पहले एंड लॉकडाउन से पहले। बट दोस्तों इसको डिले कर दिया गया था क्योंकि मेकर्स नहीं चाहते थे कि ये ओटीटी पर रिलीज हो। जैसे कि हम जानते दोस्तों अब थिएटर्स खुल चुके हैं, लगता है कि ये अब थिएटर्स में ही रिलीज होगी, वो भी साल के एंड में। नेक्स्ट इज 83। जी हाँ दोस्तों, रणवीर सिंह की ये मूवी, इसका शूट पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन मेकर्स वेट कर रहे थे कि जब थिएटर्स खुलेंगे तो इसको रिलीज करेंगे। तो दोस्तों ये रिलीज होगी इस साल के एंड तक। दोस्तों अभी रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि ये भी क्रिसमस पर रिलीज होगी। जी हाँ दोस्तों, क्रिसमस पर ये और वरुण धवन की कूली नंबर 1 क्लैश हो सकती है। बट दोस्तों इस साल के एंड तक तो इसको पक्का रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों एंड में हमें रणवीर कपूर की मूवीज काफी देर से देखने को नहीं मिली है, जो कि एक खुशखबरी है उनके फैंस के लिए कि उनकी लगातार 2 मूवीज हमें बैक टू बैक देखने को मिलेगी। एक होगी शमशेरा और एक होगी ब्रह्मास्त्र। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मास्त्र तो कहा जा रहा है कि अब नेक्स्ट ईयर पे चली गई है, बट दोस्तों शमशेरा हमें देखने को मिल सकती है इसी साल, इस साल के एंड में, हो सकता है न्यू ईयर पर या फिर न्यू ईयर से पहले। एंड दोस्तों ब्रह्मास्त्र की बात करें तो इसकी रिलीज डेट दिसंबर 4th तय की गई थी, बट दोस्तों शायद अब इसको आगे पुश कर दिया गया है। इसको लेकर अगर कोई कंफर्मेशन आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। मेक श्योर आप हमारी दूसरी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं।